थप्पड़ कांड के बाद एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव। पिछले साल की ही बात है, यूट्यूबर एल्विश यादव पर सांपों के जहर सप्लाई करने और रेव पार्टी करने का आरोप लगा। नोएडा पुलिस ने तब इन आरोपों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच चल ही रही थी। इस दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद एल्विश यादव से भी पूछताछ की गई थी। अब सांपों के जहर मामले में FSL की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नोएडा पुलिस ने सपेरों के कब्जे से बरामद हुए सांपों के जहर को जांच के लिए FSL लैब भेजा था। अब इसकी रिपोर्ट आ गई है। FSL रिपोर्ट के मुताबिक कोबरा करायत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है। FSL रिपोर्ट सामने आने के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा की रेव पार्टियों और क्लबों में ये जहर सप्लाई होता था। शिकायत मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने जयपुर FSL को जांच के लिए सांपों के जहर के सैंपल भेजे थे। अब नोएडा पुलिस ने जयपुर FSL से कार्रवाई के लिए ये जांच रिपोर्ट ले ली है। आपको बता दें कि ये मामला पिछले साल यानी कि साल 2023 का है, जब मेनका गांधी के NGO पीपल्स फॉर एनिमल्स वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा के सेक्टर 49 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई FIR में लिखा था कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली NCR के फार्म हाउस में वीडियो शूट करता है। गैरकानूनी रूप से रेव पार्टियों में इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियां भी शामिल होती हैं। आरोप ये भी लगा था कि इन पार्टियों में सांपों के जहर और दूसरे ड्रग्स का भी सेवन किया जाता था। इस दौरान गिरफ्तार हुए राहुल यादव का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था, जिसमें उसने PFA मेंबर को बताया था कि उसने एल्विश की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई थी। पुलिस को राहुल के पास से 20 ml जहर भी मिला था। भैया आपकी वीडियो नहीं आई मेरे पास। सर मेरा नेट ही खत्म हो गया, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ अभी। ओहो चलो, बाकी बिल तो मैंने बना के भेज दिया। ठीक है, आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो नोएडा में थी उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ हाँ, बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ, मेरी नोएडा में है ना, कासना के अंदर भी तो करिए, नोएडा के अंदर वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है, मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। हाँ, वो तो सेंड नहीं हो पाई अभी। प्रोग्राम की तो आप ये दिक्कत ही, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम मेरे से ऊपर कोई करता नहीं है। अच्छा ठीक है, बाकी मैं मुझे 10 मिनट का ऑटो दे दो, मेरी चार्ज प्रोग्राम चाहिए जैसे एल्विश भाई के हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा अंदर ये देख लेना कि कोई स्टेज टाइप थोड़ा सा हमारा हो जाए, तो अपना वहाँ पे बैठ के हम अपना वो प्रोग्राम कर लेंगे और माइक वगैरह का सिस्टम हो जाए। मैंने देखा ना, बैंकेट में तो होगा ही प्रॉपर, बोल के रखना मैनेजर से अगर करा दे तो। भाई 7 बंदों की टीम है, उनके लिए थोड़ा, इन्होंने 34 लिखा बिल में, बता दो एक बार। नहीं हां जी, सेकंड मैं एड्रेस देख लेता हूं आपने कौन सा लिखा है। हां ना, वो मैंने देखा हुआ है, ये शेवर है ना, मेट्रो पिलर। हाँ देखा हुआ है, होशियारपुर के पास है, मैं करता रहता हूँ प्रोग्राम पे। अच्छा अच्छा, बस तो फिर आपको तो पता ही होगा। हाँ मुझे पता है सारे, देखा हुआ। ठीक है भाई, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए फिर आगे भी लोगों को ना, देखेंगे तभी कराएंगे लोग। भाई साहब आप किसी चीज की दिक्कत मत लो, बाकी आप YouTube वगैरह पे ना मेरे नाम से देखोगे सारा कुछ निकल आएगा। अच्छा अच्छा, मैं तो बाहर विदेश तक जाता हूँ फॉरन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बाकी मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको, मेरा नेट ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, रिचार्ज करा लो। ठीक है, आप मैं ये बिल वगैरह मैंने भेज दिया है, 1000 रुपए अमाउंट एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है, हाँ खाना वाना तो आपने मनाई कर दिया, अंदर नहीं है हमारा अलाउ। नहीं खाने की मैं आपका वैसे साइड में व्यवस्था करवा दूंगा, अंदर ही करा दूंगा। अगर प्रोग्राम अगर अच्छा होगा ना तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप खाना ही खा लेना। चलो चलो ठीक, खाने की इतनी कोई बड़ी बात तोड़ना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था ना कि वहाँ 1500 रुपए की एक थाली है। हाँ, 7 बंदे भेजोगे तो हमारे देखो ना 12-13 हजार के तो खाना भी हो गया ना। नहीं ऐसा होगा तो आप नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा ही करा देना, स्टार्टर वगैरह, और खाने का तो आप हमें 2-4 हजार रुपए दे दोगे, हम बाहर से भी होटल वगैरह से खा लेंगे। तो आप आ जाना फिर 4:30-4:30 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक का डाल दिया मैंने टाइम। हाँ तो वही मतलब 4:30-5 बजे तक पहुंचोगे तभी 6 बजे से हो पाएगी तैयारी। चलो 1 घंटा पहले आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, बढ़िया से भाई, बढ़िया से ड्रेस प्रेस हो भाई साहब। कहने की आपको जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं आज से नहीं 15 साल से कर रहा हूँ। आप भी ये कहोगे हाँ मैंने कोई प्रोग्राम कराया तो किसी बंदे से मेरा कांटेक्ट हुआ। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं तो करता ही इसी लेवल के काम हूँ। ठीक है, तो भाई वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं, टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। ठीक है ठीक है, और कोबरा
जो होते हैं ना वो उनसे ही कोबरा मेरे, मेरे पास खुद के पास रखे 2 से 3 टाइप के, उनके फोटो भी मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ठीक है तो आप देख लेना, 5-6 कोबरा हो जाए, 2-3 अजगर हो जाए, मतलब फोटो हमें बढ़िया आ जाए, हाँ हमें कोई, मतलब हमें कोई मैं अपनी तरफ से सारा सिस्टम वही सारा बना के चीज दे लाऊंगा मैं, सारा जैसा चीज फॉरेन में लेके जाता हूँ। दे। हाँ बस बच्चे खुश होने चाहिए, बस और कुछ अरे हमें आप, चाहिए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बस। चलो ठीक 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 है भाई। ठीक ठीक हेलो हेलो। हाँ जी भैया, हाँ भैया, अभी मैंने 4-5 वैरायटी तो आपको भेज दी है, बाकी जिस दिन का प्रोग्राम होगा उस दिन आ जाएंगी अजगर वगैरह। परसों का दिया है। हाँ, तो परसों मतलब जब आऊँगा ना मैं, तब लेके आऊँगा, क्योंकि इतने तो है मेरे पास। हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो दिल्ली में? बाहर, हाँ बाहर से लाना पड़ता है, दिल्ली के अंदर चेकिंग वगैरह चलती है ना बॉर्डरों पे। ठीक अच्छा है, बाकी प्रोग्राम की दिक्कत मत लेना, प्रोग्राम बढ़िया होगा और 10-11 वैरायटी आपकी हो जाएगी सारी। ठीक है, ठीक ठीक है भैया, जब बिल मैंने आपको दे दिया 1,000 रुपये, आप एडवांस डाल देना, कोई दिक्कत वाली मैं बात डाल दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में, नहीं। कोई कोई दिक्कत, दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत, ओके ओके। है ना। अच्छा वो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अजगर कर लेना यार गले में, क्योंकि वही अजगर हो गई भैया, चलेगी, अजगर से, अजगर की ही सबसे पहले बात की थी मैंने, अजगर मिल जाएगी। है ना। चार हो जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, 4-5 हाँ तो। बिल्कुल, दिक्कत मतलब, ये गुरुजी बैठे थे, चेहरे की वीडियो मैंने ली नहीं, ये ट्रेनर है। अच्छा, हाँ हाँ ये मतलब बच्चे वगैरह भी फोटो खिंचाएंगे ना, हाँ तो ये खुद साथ रहेंगे, और कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो जहरीली हो, वो तो सबका कोई हाँ सबका जहर निकाल रखा है। ठीक है, हाँ जहर निकला हुआ है ना सबका, हाँ 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 बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक तो कोई ठीक खतरा नहीं है, बस हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। भाई बालक खुश होने चाहिए यार, वो कोई अरे दिक्कत भाई नहीं साहब, है। मैं वैरायटी सारी है, ब्लैक कोबरा, स्मॉल कोबरा, और तीन चार तरीके के कोबरा होंगे, दुमई होगी, घोड़ा पचाड़ होगा, अजगर होगा आपका, पदम नाग होगा, भाई अजगर, मतलब अजगर पदम वदम तो हमें पता नहीं, अजगर हो जाएंगे ना 2-3 तो थोड़ा एक बढ़िया सा वो आ जाएगा। दो तीन ही अजगर तो एक ही होगा, अजगर नहीं होते ज्यादा हमारे पास। अच्छा दो हो जाए यार, दो दो हो जाए, हाँ क्योंकि भाई साहब, आता है होते ना तो अकेले की फोटो नहीं आती, दो बंदों की तो आती है ना, दोनों के गले में दो होगा तो बढ़िया रहेगा। दो होते तो बिल्कुल दो भी मैनेज करता हूँ, कर देता मैं, बाकी कोशिश मैं पूरी करूंगा। एक तो है मेरे पास, देखो मैं बोल दूं आपको और ना ला पाऊं फिर उसमें वजह नहीं है। बाकी है ना, अजगर से बढ़िया एक चीज होती है पदमनाग, वो पता नहीं क्या था होता क्या है। बारे इतनी सुंदर होती है वो, आप देखना। अच्छा हाँ, चलो, मैं तो ये सोच रहा था बस ये जो आपने भेजे ना, ये भाई बढ़िया लगेंगे, क्योंकि उनका मुंह ऊपर को आएगा ना ऐसे फोटो के समय। हाँ ये तो अभी क्या है ना, हमने अपने अंडर वैसे ही कमरे में रखे हुए हैं, तो जब अच्छा आपके पास आएंगे तो ये सब सजा वजा के लाएंगे, फूल वूल डाल के, माला वाला टाइप, अच्छा समझ रहे हो अच्छा ना, थोड़ा इस टाइप से लेके आएंगे, क्योंकि आपका तो अंदर बैंक्वेट के अंदर ये प्रोग्राम है बैंकेट जो में, भी, हाँ तो उसी के हिसाब से हम भी अपना वो करके लेके आएंगे डेकोरेट। ठीक है। ठीक है तो भैया बस देख लेना, अगर दो हो जाए अजगर ना, भाई साहब, कोशिश पूरी करूंगा, पर मैं पक्का नहीं कह सकता, एक है मुझे, एक मिली, मैंने 10 जगह फोन कर लिया मेरी रिश्तेदारी में। अच्छा तो बढ़िया, हाँ बड़ा है ना बिल्कुल। मतलब वो उतने बड़े नहीं होते जो बिल्कुल दो दो तीन तीन हाथ बड़े हों, इतने बड़े तो इंसान को ही निकल जाते हैं अजगर, वो अलाउड भी तो नहीं है ना। क्या है कि इतने बड़े जानवर को रखने के लिए हमें कम से कम एक खेत की जगह चाहिए, और दिल्ली में इतनी जगह है का। अच्छा हाँ बाकी है अजगर, मैं साइज मुझे भी नहीं पता, फोटो मंगा के देखता हूँ, मिल जाती है तो, क्योंकि एक तो फोटो वगैरह भी नहीं रखने देते ना फोन के अंदर, काफी सख्ताई है इन चीजों के पीछे। अरे अच्छा हमें नहीं पता भैया इस चीज का। भाई साहब बहुत सख्ताई है, अब क्या बताऊं मैं, हम पहले सांप सपेरे का खेल दिखा लिया करते थे, वो सब चीजें खत्म होगी। आप कभी देखने को मिलता है आपको सपेरे कहीं सांप लेके घूम रहे, बहुत कम, नहीं ना के बराबर मिलता होगा कहीं। मैं तो देखता रहता हूँ आए दिन। नहीं, सपेरा कोई सांप लेके नहीं घूमता पाएगा, नकली जरूर हो सकते हैं किसी के नहीं पास, लोनी में, लोनी लोनी में तो हमारे आए दिन आते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ जाता है ना यूपी, अच्छा, उस साइड में है नहीं, दिल्ली के अंदर तो यहाँ कब कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले कोई भी पकड़ के ले जाते हैं, अच्छा इसलिए तो रखना बंद भाई ये कर फिर ये यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहां कैसे ले जाते हो फिर? दिया। वहां पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरनर टाइप का, अच्छा तो जो उनका बुक करता है ना उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई, ऐसा है ना वो फिर आदमी, बड़े आदमी भी तो है ना एलविश भाई, हाँ तो बड़े उनके बड़े हाथ बड़े कौन आदमी, डालेगा? उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है, वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहां तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते, वो भी हाँ 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप, और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलती है वो। हाँ अच्छा क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते, हाँ बड़े क्योंकि नाम है एलविश ना यादव बड़े पर ना, तो बिल्कुल बदनामी हो जाए सांप वाप के। बिल्कुल बिल्कुल।
चलो ठीक है भाई जी, फिर देख लो अगर दो अजगर हो जाए, है ना, कोशिश कोशिश कर लेना। कोशिश हाँ बिल्कुल, मैं टेंशन मत लो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जितनी ब्राइटी हो उतनी लेके जाऊँ। आप 10-11 की कह रहे हो, मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा हो जाए। ठीक है ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्रोग्राम अच्छा करूंगा तब आप आगे भी मुझे कोई प्रोग्राम दिलाओगे। ठीक कोई है बात भाई नहीं, साहब, चलो ठीक है। ओके। सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था। इसमें खुलासा हुआ था कि 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकाली गई थी, बाकी के 4 सांप विषैले नहीं थे। जांच के बाद इन सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया था। हालांकि इस पूरे केस में एल्विश ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा था, मुझे लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। आरोपों से मेरा नाम खराब ना करें। मैं यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज़ में अगर मेरे खिलाफ 1% भी आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ बिना किसी सबूत के मेरा नाम खराब करने की कोशिश ना करें। मेरा दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब FSL की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।